फाइनली यहाँ पर काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही कि ये जो पावर मेन्यू आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपने MIUI 13 के अपडेट में देखा होगा, मेरी वीडियोस में काफ़ी सारी अलग अलग वीडियोस में देखा होगा कि ये आने वाला है। तो MIUI 13 में ये पावर मेन्यू भी आया था बट ये अभी तक किसी भी डिवाइस में नहीं मिला। लेकिन अब दो ऐसे डिवाइस है जिनको ये जो है भाई पावर मेन्यू देखने को मिल चुका। एक तो मेरे पास है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G और पोको X4 5G भी आप इसको बोल सकते हो। MIUI 14 के अपडेट के साथ ये जो चीज़ अब मेरे को देखने को मिल गई है। अब कैसे मिल गई ये भी मैं को बताऊंगा, कैसे आपके डिवाइस में मिलेगी ये भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मैं और इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। अब चलो अब यहां पर बात करते कि ये जो पावर मेन्यू मेरे डिवाइस में आया कैसे। पहले मैं बता दूं ये कोई रूट TDP रिकवरी कुछ नहीं किया ऑफिशियली, बस मैंने MIUI 14 का अपडेट इंस्टॉल किया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बिना वीडियो बना रखी है। रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G या पोको X4 प्रो 5G है तो इसमें आप कैसे MIUI 14 का अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप अपडेट इंस्टॉल करते हो तो आप देखना आपके डिवाइस में भी ये जो चीज है नया पावर मेन्यू ये आ जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये जो चीज़ है ये है MIUI 13 का चीज़, यानी कि MIUI 13 का ये पावर मेन्यू अब ये MIUI 14 में आया। अब आपको पता होगा MIUI 14 जब MIUI 13 था तो उसके अंदर ना ये नया कंट्रोल सेंटर आया था। बहुत सारे ऐसे डिवाइस थे जैसे कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, उसके अंदर ये जो नया कंट्रोल सेंटर ये आया ही नहीं था। जब उनके डिवाइस में MIUI 14 आया तब जाके ये कंट्रोल सेंटर आया। तो उसी तरह से जैसे कि ये MIUI 13 का ये पावर मेन्यू तो ये MIUI 14 के अंदर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो MIUI 13 की थी वो MIUI 14 के अपडेट में आ रही है। तो उसी तरह से पावर मेन्यू भी आ चुका है। अभी ये जो दो डिवाइस में मिला एक है पोको X3 प्रो 5G और यहाँ पर पोको X3 बोला पोको X4 प्रो 5G और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G और एक और डिवाइस है रेडमी 10C जो कि इंडिया में सर रेडमी 10 के नाम से जाना जाता है। अब देखो मेरे डिवाइस में तो MIUI 14 है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पर MIUI 14। तो मैं ट्राई करूँगा कुछ जुगाड़ लगा के कि इसका भाई सिस्टम UI प्लगइन या फिर कुछ भी सिस्टम की एप्लीकेशन उठा के किसी और डिवाइस में, जैसे कि नॉर्मल डिवाइस जो चल रहे हैं जिसमें कि आपका MIUI 14 चल रहा है और एंड्रॉइड 13 के आप रन कर रहे हो, क्या पता आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो उसकी मदद से आपका ये आ जाए। बट अभी पॉसिबल नहीं, मैं ट्राई करूँगा, होता है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी थी, ये जो दो डिवाइस है तीन बोल सकते हो तीन डिवाइस में ये अभी आ चुका है। धीरे धीरे ग्लोबल में ये आया है, इंडिया में नहीं आया, ये चीज़ भी मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। कभी आप ग्लोबल हो गया, यूरोप हो गया, इन सारी जो कंट्री है उसके अंदर ही आपको देखने मिला, क्योंकि देखो ये देख सकते हो EU ये कि यूरोप वाली रोम है, इसके अंदर ये चीज़ देखने मिली है। इंडिया में अभी कोई ऐसा डिवाइस नहीं मिला है जिसमें कि ये चीज़ देखने मिले। सबसे महंगा डिवाइस अभी इंडिया में देखो मेरे पास भी एक है, ये Xiaomi 12 प्रो, इसके अंदर भी नहीं मिला। एक Xiaomi 13 प्रो, उसके अंदर भी नहीं मिला। तो या फिर इस डिवाइस में या किसी और डिवाइस में मिलेगा, Mi 11 X हो गया या फिर और कोई डिवाइस होगा, या फिर इंडिया के अंदर जब रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G के अंदर अपडेट आता है क्या पता उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिल जाए। जब मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात। ये जो चीज है अब कंफर्म हो चुकी है कि अब मिलेगा, क्योंकि पहले ओनली फॉर चाइना के अंदर थी, ये चाइना में ना ये चीज देखने को मिलती थी। अब देखो यहां पर हमारे ग्लोबल में भी है और इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहां से रिबूट आपको मिल जाता है, यहां से देख सकते हो ये रिबूट का ऑप्शन दिया गया। ऊपर से करोगे आपको यहां पर ये पावर ऑफ, तो काफी अच्छी एनिमेशन देखने को मिलती है। और पुरानी वाली जो एनिमेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हो यहाँ पर आपको पुरानी वाली जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती एनिमेशन, ये देख सकते हो ये रही यहाँ पर जो फ्लाइट मोड साइलेंट ये हो गया, ये जो कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है भाई लगता भी यहाँ चलो कुछ अपडेट में कुछ नया दिया है तो ये देखने में काफ़ी बढ़िया भी लगता है। तो बस आपको करना कुछ नहीं, वेट करना एक दो दिन का या फिर एक दो महीने का भी हो सकता है। किसी भी डिवाइस के अंदर नया अपडेट आता है इंडिया के अंदर, हो सकता है उसके अंदर भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक एनिमेशन भी यहाँ पर आपको चलती हुई देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि आप ऊपर कर सकते हो नीचे कर सकते हो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ से आप फ्लाइट मोड वगैरह नहीं लगा सकते, ये चीज़ है। बट एनिमेशन नहीं है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया है। तो ग्लोबल में मिला है, इंडिया में जब मिलेगा उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किसी डिवाइस में मिलता है उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। अभी तो दो डिवाइस में आया और किसी और डिवाइस में आता उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी ये तरह आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।